हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव, तिथि और उसके नाम को हम लोग चर्चा की थी, किन किन आधारों पर उनका नाम पड़ा, कैसे उद्भव हुआ है, कैसे इमर्जेंस था, उसकी तिथि कैसे डिसाइड की गई थी। अब हम आगे देखेंगे क्या कि हड़प्पा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ प्रमुख पुरास्थल थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा एंड धौलावीरा। ये कुछ प्रमुख स्थल थे। चामुंडड़ो, ये कुछ प्रमुख स्थल थे जिनकी खुदाई एक्सकवेशन के बाद जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिला था, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के आधार पर वहां के नगर नियोजन, वहां के समाज या सोसाइटी, उसके रिलीजियस एक्टिविटी यानी धार्मिक परंपराएं, उसकी ट्रेड यानी व्यापार, इन सब चीजों पर इसके खुदाई के आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के आधार पर हम देखते हैं। तो लेकिन पहले ये देखते हैं कि जैसा कि बताया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग था, जो दो मोस्टली शहर दो पार्ट में डिवाइड होते थे, एक ईस्टर्न पार्ट एक वेस्टर्न पार्ट। लेकिन सभी स्थलों पर ऐसा नहीं था, सभी स्थल दो पार्ट में डिवाइड नहीं था या प्रोटेक्टेड वॉल से सराउंडेड नहीं था, चार दीवारी से घिरा हुआ नहीं था, किलेबंद नहीं था, ऐसा नहीं था। हर जो पुरास्थल था उसका कुछ अलग अलग उसमें सिग्निफिकेंट मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, ये जो पूरा स्थल था, ये पूरा स्थल दो पार्ट में डिवाइड था, यानी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट में डिवाइड था, जबकि लोथल और सुरकोटदा में कोई डिवीजन नहीं मिलता है, नो डिवीजन। और धौलावीरा में हम देखते हैं कि जो पूरा स्थल था वो तीन यानी थ्री पार्ट में डिवाइड था, यानी इसको अगर ये शहर है तो ये दो पार्ट में था और ये था थ्री पार्ट में डिवाइड था, यहां पे कोई डिवीजन नहीं मिलता है। चौहंदरों में भी कोई डिवीजन नहीं मिलता है और ये किला बंद भी नहीं था। तो ये सबका अलग अलग फीचर था। अब जब एक्सकवेशन हुआ, अब उसके आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग देखते हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग। अब हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा का जो पुरास्थल था या शहर था दो भागों में डिवाइड था। दो भाग में डिवाइड मतलब कुछ ऐसा वो बना हुआ था, यानी ये था वेस्टर्न पार्ट और ये था ईस्टर्न पार्ट, दो पार्ट में यानी डिवाइड था। ये वेस्टर्न पार्ट को हम कहते हैं क्या, सिटाडेल, और जो ईस्टर्न पार्ट था इसको हम लोअर पार्ट कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट में ये माना जाता था कि ये बेसिकली यहां पे रूलर या शासक वर्ग रहा करता था, प्रशासनिक अमला रहा करती थी, कुछ ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स थे वो यहां पे सिचुएटेड था। और ये जो था, जो ईस्टर्न पार्ट था, लोअर पार्ट था, ये था लेबर्स यहां पे रहते थे, फिर से क्राफ्ट्समैन रहते थे यानी शिल्पकार रहते थे, कुछ शिल्पशालाएं यानी क्राफ्ट फैक्ट्री भी यहां पर रहा करती थी। तो ये कामनर्स के लिए था और ये एलिट वर्ग के लिए था। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है कि ये कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन था, कुछ क्राफ्ट्समैन या श्रमिक की कुछ छोटी छोटी दुकानें, फिर से शिल्पशालाएं ईस्टर्न पार्ट में भी रहती थी, वेस्टर्न पार्ट में भी रहती। लेकिन हम आगे चलते हैं। अब जो टाउन प्लानिंग इनका था वो बड़ी बेहतरीन था और वेरी मतलब
एक डेवलप था पूरा। अब टाउन प्लानिंग कैसे था, तो टाउन प्लानिंग को समझ लीजिए ऐसे था कि पूरा शहर जो था रेक्टेंगुलर ब्लॉक में डिवाइड था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी जो आज के हम आधुनिक समय में, आज के वर्तमान समय में जो हम कॉलोनी डेवलप लोग कर रहे हैं कि बिल्कुल समकोण पर सड़कें काटती हैं, यहां पे आवास बनाए जाते हैं, बीच में पार्क बनाया जाता है, फिर से नाली निकाली जाती है, तो इसी प्रकार उस समय भी था। अब यहां क्वेश्चन ही बनता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग वर्तमान परिस्थिति में प्रासंगिक है, व्याख्या करें तो बिल्कुल प्रासंगिक है। जिस प्रकार की टाउन प्लानिंग इंडस वैली में था, जो बिल्कुल वेरी वेल इंजीनियर्ड था, टेक्नोलॉजी डेवलप पूरी तरह से था, सड़कें दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कों में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, जितने घर थे घरों के जो ड्रेनेज था ड्रेन था वो निकल के मेन होल में मिलता था, यानी नाली यानी ड्रेनेज सिस्टम की पूरी व्यवस्था की गई थी। फिर से मेन होल में देखा जाता है कि बीच बीच में सॉक पिट लगाया गया था। सॉक पिट मतलब ये कि जब नाली से पानी बहे तो उसमें से कुछ पानी सूख के और जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, उसको भी रिचार्ज करता रहे। सड़कों के किनारे किनारे लैंप पोस्ट लगाए गए थे एक सर्टेन इंटरवल पे, नालियों में मेन होल बनाए गए थे बीच बीच में, घरों से नाली निकलकर और इस जो गली की नाली थी उसमें मिलती थी, और गली की नाली मेन जो मेन ड्रेनेज सिस्टम था उसमें मिल जाता था। यानी एक तरह से हाईली हाइजीन लोग रहते थे, वेल प्लान्ड सिटी था, हर चीज की व्यवस्था थी, रोड पर रोड लाइट यानी लैंप पोस्ट भी लगा था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मकान जो बने थे रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बने थे, आयताकार ब्लॉक में मकान बने हुए थे। पूरी तरह से हाइजीन की व्यवस्था थी, बीच में आपके सर्टेन इंटरवल पे एक लैंप पोस्ट लगा हुआ था, जो ड्रेनेज सिस्टम था घरों से निकलकर नाली मोहल्ले की नाली में गई, गली की नाली में गई, गली की नाली मेन नाली से मिल गई, मेन नाली के मेन होल सफाई के लिए मेन होल बनाया गया था, नालियों के नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए सोक पीट लगाए हुए थे। तो ये था उनकी टाउन प्लानिंग, वेल डिफाइंड था। अब ये देखते हैं कि सिटाडेल पे आपको जो मिलता है कि हर देखते हैं मोहनजोदारो में, एक मोहनजोदारो से क्या मिलता है, ग्रेट बाथ यानी बृहत स्नाना गार, ये मोहनजोदारो से हमें मिला। ये माना जाता है कि ये पब्लिक वाटर टैंक होगा, पब्लिक वाटर टैंक जिसका यूज किसी रिलीजियस या धार्मिक अवसरों पर प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग धार्मिक अवसरों पर होता था और ये सार्वजनिक था, कई धार्मिक उत्सव मनाया जाता था तो यहां पर सभी लोग आके स्नान वगैरह करते थे। फिर इस रचना को मार्शल महोदय ने दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रचना बताया था, बृहत स्नानागार को। उसी तरह हड़प्पा में देखते हैं ग्रेट ग्रेनरी यानी अन्न कुठार, और ये अन्न कुठार जो बना था एक लाइन से जैसे ऐसे बन गया, छह इधर छह इधर,
अन्न कुठार का मिलने का मतलब यह है कि यहां पे सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था, यानी कृषि में अधिशेष का उत्पादन होता था और अधिशेष को एक जगह स्टोर कर लिया जाता था कि जब कभी भी कोई ऐसा सूखा या कोई महामारी का समय हो तो उस समय कोई आपातकाल हो, आपात समय हो, तो उस समय इस अन्न कुठार से अन्न को निकाल के और अपने प्रजा को जीविका निर्वाह कराया जाए। तो ये हड़प्पा से ग्रेट ग्रैनरी या अन्न कुठार मिलता है। टाउन प्लानिंग के बाद हमें देखते हैं समाज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कैसे थी। तो समाज बेसिकली जो था, उनका सोसाइटी जो था, वो बहुवर्गीय था, मतलब क्लास डिवीजन था, एंड मल्टी एथनिक, मतलब बहु निर्जातीय में कई था, भूमध्य सागरी थे, द्रविड़ियन थे, अल्पाइन थे, हर तरह के वहां पे आपको निर्जाति या रेसेज मिल जाते थे। तो वहां के जो सोसाइटी थी वो थी मल्टी क्लासेस, बहुवर्गीय और बहु निर्जातीय सोसाइटी मिलकर, और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोसाइटी बनी हुई थी। दूसरा ये देखते हैं कि वो अपने नेचर में मैटेरियलिस्टिक थे, यानी वो भौतिकवादी थे। निश्चित रूप से भौतिकवादी कैसे होगा कोई, जब वो ट्रेड वगैरह, जब एक लार्ज स्केल पर ट्रेड होता है तो आदमी थोड़ा सा लग्जरी में जीने लगता है, भौतिकवादी होती है, भौतिक चीजों की आवश्यकता होने लगती है, सुख सुविधा लग्जरी लाइफ को जीने की आवश्यकता हो जाती है, आदत पड़ जाती है। तो ये उस समय का जो समाज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, धौलावीरा हो, लोथल हो, वो मैटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब उनके नेचर में मैटेरियलिस्टिक था। नेक्स्ट देखते हैं कि वो सोसाइटी क्या थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर गॉडेस का, यानी मातृ देवी की मूर्तियां सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, हर जगह से मिलती है, जहां भी एक्सकेवेशन हुआ वहां मातृ देवी की मूर्तियां बहुतायत मात्रा मिली है। बहुत इन मातृ देवी की मूर्तियों के मिलने के आधार पर जॉन मार्शल महोदय ने यही कहा था कि ये जो समाज थी वो मात्र सत्तात्मक समाज थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी था। मातृ देवी की पूजा होती है, मातृ देवी प्रधान है, माता ही डिसीजन मेकर है। तो जो हम आज कह रहे हैं कि वीमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी वीमन एम्पावरमेंट कि अगर हम एविडेंस देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पर कास्ट सिस्टम का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई ऐसा साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है जिससे हम ये कह सकें कि समाज जाति में बटा हुआ था। उस समय जात व्यवस्था नहीं थी, यानी कहीं से भी, किसी भी पुरास्थल से, किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जो कास्ट सिस्टम को इंडिकेट करे। फिर हम देखते हैं कि जो सोसाइटी थी, समाज थी, वो कुछ ग्रुप से मिलकर बनी हुई थी। अब वो ग्रुप क्या क्या थे, तो पहला था कि जो फर्स्ट ग्रुप था वो, उसमें प्रिस्ट आते थे, फिजिशियन आते थे, एस्ट्रोलॉजर आते थे, यानी पुरोहित, वैद्य और ज्योतिष, ये लोग आते थे किसमें, तो इस ग्रुप से मिलकर पहला ग्रुप उनका बना था, यानी जहां पर सबसे मुख्य था प्रिस्ट एंड फिजिशियन। जो पहला ग्रुप था समाज का वो था प्रिस्ट और फिजिशियन का। जो सेकेंड ग्रुप था, यानी द्वितीय ग्रुप था, वो था वॉरियर्स का, यानी दूसरे क्रम पे जो लोग आते थे वो योद्धा होते थे। जो समाज में योद्धा वर्ग होते थे वो सोसाइटी में, सोसाइटी के हायरार्की में सेकेंड स्टेज पे आते थे। थर्ड पे आते थे ट्रेडर्स, व्यापारी, आर्टिजन्स, शिल्पकार, आर्टिस्ट। तो जो थर्ड ग्रुप था वो ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड आर्टिस्ट का था। एंड फोर्थ ग्रुप जो था वो क्या था, जो श्रमिक वर्ग था, किसान था, मछुआरा था, फिशरमैन था, एंड
जुलाहा था, डोमेस्टिक सर्वेंट्स घरेलू नौकर, इनका मिला के चौथा ग्रुप बना हुआ था। और ये ग्रुप जो डिवाइड था वो बेसिकली उनके प्रोफेशन पर डिवाइड था, यानी जो वो व्यवसाय करते थे, जिस व्यवसाय में वो प्रवीण थे या जो व्यवसाय में वो सम्मिलित थे, उस व्यवसाय के आधार पर उनकी ग्रुप का डिवीजन हुआ था। ये कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, ये उनका प्रोफेशनल जो एक्टिविटी था उसके आधार पर इस ग्रुप का डिवीजन हुआ था। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी था वो वर्ग आधारित था या प्रोफेशनल आधारित समाज में डिवाइड था। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलीजन और ट्रेड पे बात करेंगे। थैंक यू।